नमस्कार, मैं हूं सत्य राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला। जी हां, हल्ला इसलिए क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है और प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। तो इस तरह अब हमें देखना ये है कि सारे उम्मीदवार, सारे पार्टी, निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है और उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। लोगों को नई पार्षद मिलेंगे, नए जनप्रतिनिधि मिलेंगे। ऐसे स्थिति में हम जान लें कि पूर्व में जो पार्षद रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके कार्य का आकलन जनता के द्वारा से करेंगे, जनता के माध्यम से सुनेंगे वो पूर्व पार्षद कैसे काम किया, उनके काम से जनता कितने संतुष्ट है। तो आइए हम सीधे आपको लिए चलते हैं उन जनता के पास, उन प्रतिनिधियों के जो काम है उनके रिव्यू लेने। इस वक्त हम मौजूद हैं खूबचंद बघेल वार्ड क्रमांक 68 के कर्मा चौक पे और यहाँ पे कुछ स्थानीय यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ के जो किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, कितना यहाँ पे चुनौती रहा है, तो हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनने किस तरह से काम किया है। क्या आप जो काम हुए हैं इन 5 सालों में कैसे देखते हैं इस काम को? जी, हम तो बहुत अच्छे ढंग से देख रहे हैं। भैया यादराम साहू जी यहाँ इस वार्ड में अच्छे कार्य किए हैं, जिससे हम लोग तो खुश है उनके काम से। आपका क्या नाम है? अजय कुमार सोनवानी। कहाँ का रहने वाले हो? यहीं का। अच्छा, आपके पार्षद किस तरह कैसे काम कर रहे हैं? हमारे पार्षद अच्छा काम कर रहे हैं, अभी तो 5 साल में देखे जाने वाले, बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ सफाई व्यवस्था कैसी है? सब ठीक चल रहा है। आपके यहाँ पानी समय पे मिलता है आपको? जी बिल्कुल। राशन कार्ड बना हुआ है आपका? हाँ, हमारा बना हुआ है। और जो सरकारी योजना है उसका फायदा मिल रहा है आप लोगों को? सब चीज, हर चीज का फायदा मिल रहा है हमको। तो सफाई का क्या स्थिति है आप बताइए? सफाई ठीक है, वार्ड बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, लेकिन अभी बेहतर है। जो नगर निगम का सहयोग है, पार्षद जी का सहयोग है, सुबह से मॉनिटरिंग करते हैं, हम भी जाते हैं वहाँ, मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं, तो उस प्रकार से बहुत बढ़िया है। गाड़ियाँ भी चल रही है जो कचरा डोर टू डोर का, बहुत बढ़िया है, भी अच्छा रहेगा। यहाँ और भी आम पब्लिक है, उनसे जानते हैं। आप कब से इस वार्ड में रह रहे हैं, कितने समय से? मेरे को 10 साल हो गए। अच्छा, पहले कैसा था वार्ड, अब कैसा है? पहले जो पार्षद रहे कैसे काम किया था, उसके अपेक्षा में जो अभी वर्तमान पार्षद हैं उनके काम को आपको कैसा लग रहा है? अच्छा काम कर रहे हैं? अभी एक नंबर अभी चल रहा है। अभी ये पार्षद हमारे जो चुने हम, ये हमारे कहने से जो भी काम कराना चाहते हैं हम, वो काम तुरंत होता है। एक नंबर के काम हो रहा है, गली की सफाई, नाली सफाई, और जो भी हम बोलते हैं वो हमारे पूरा होते जा रहा है। उनके पास जाते हो आप समस्या लेके, तो कैसे बात करते हैं, बात करने का लहजा कैसा होता है उनका? अच्छा है स्वभाव उनका, मस्त से बात करते हैं, मिलनसार है हमारे, उनसे साथ उठना बैठना हमारे है। आप लोगों को कैसा लगता है कि आपके यहाँ काम हो रहा है, वो संतुष्ट है, संतुष्टिपूर्ण है, सफाई सही से हो रहा है? आपके जो गली मोहल्ले में घूमते हैं, साफ रहे गली मोहल्ला? हाँ, साफ है गली मोहल्ला सब। पानी समय पे मिलता है आप लोगों? हाँ। को साफ रहता है पानी, पीने से कोई बीमार तो नहीं होते, जैसे पीलिया होने की खबर आती है डेंगू की? नहीं है? साफ रहते हैं। ठीक। आपको? नहीं, साफ ही रहते। और बिजली रात में यहाँ रहते है पूरा? हाँ। लगे हुए स्ट्रीट लाइट वगैरह? हाँ। और यहाँ हमारे लोग हैं, यहाँ से जानते हैं उनका, क्या आपके जो पार्षद काम कर रहे हैं कितने अच्छे कर रहे हैं, जो घोषणा किए थे चुनाव के दौरान उसमें खरा उतर रहे हैं? हाँ, खरा उतर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ लोगों को आवास मिला हुआ है? हाँ, पीएम आवास? हाँ मिला हुआ है ना आवास। पेंशन मिलता है समय पे? समय पे पेंशन मिलता है 9 तारीख को। अच्छा, 9 तारीख को मिल जाता है हर महीने? हर महीने 9 तारीख को मिलता है। आपके घर में है कोई पेंशन में जिनको मिलता है? नहीं, मेरे घर में। माता राम, आपके यहाँ राशन कार्ड वगैरह है आपका? नहीं। आपको चावल मिलता है? हाँ मिलता है बेटा। अच्छा, सफाई आपका वार्ड का कैसे रहता है? सब ठीक रहता है। मेडिकल लगता है यहाँ? मेडिकल डॉक्टर आते हैं चेक करने के लिए? आते हैं, आते हैं। शिक्षा व्यवस्था कैसा है यहाँ, स्कूल वगैरह? सब अच्छा है बेटा। स्कूल है? हाँ है ना, वो फिर स्कूल। अच्छा, कितने क्लास तक का है? अब गलत नहीं मालूम, फिर स्कूल है यहाँ पर। अच्छा, स्कूल है। अच्छा, पानी समय पे मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। पेंशन वगैरह? नहीं मिल रहा है अभी। पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है बेटा मेरा। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? दो ही जहाँ रहते हैं। अच्छा, चौकीदारी करते हैं बेटा। हाँ। तो आप कभी पार्षद के पास गए अपने समस्या लेकर? हाँ जाएंगे अब। आप बताएंगे क्या समस्या है आपके वार्ड में, या नहीं है सब सही चल रहा है? नहीं, सब ठीक चल रहा है। अच्छा,
जो समस्या जो एक पार्षद को करना चाहिए वो सब पूरे कार्य कर रहे हैं। और आगे में चुनाव है, नए पार्षद आएंगे, किस तरह से उम्मीद रखते हैं उनसे, क्या काम होना चाहिए अभी? अब देखिए, अब वो तो समय में बताएंगे उसको, लेकिन अभी जो पार्षद भैया जो है वो कार्य अच्छे कर रहे किए हैं। अभी तक जो एक पार्षद को करना चाहिए वो यानी पूरे अपने दायित्व से काम निभा रहे हैं। यहाँ पे हमारे कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग से जानना चाहेंगे, आप युवा हैं, आप किस तरह से देखते हैं आपके वार्ड में किस तरह विकास की जरूरत है, क्या जरूरत है अभी मूलभूत सुविधा की, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, किस आप क्या चाहते हैं? सर, यहाँ जो विकास होना चाहिए था उस प्रकार से विकास तो हो रहा है। वैसे प्रधानमंत्री आवास के तहत बहुत सारे घर भी बन रहे हैं, और सफाई का भी जो अच्छा पहल जो चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान वाला, वो भी अच्छा ठीक तरीके से हो रहा है। अच्छा, लोग यहाँ पे जैसे बीमार होने की खबर होती है, पीलिया डेंगू, तो कब से बंद है यहाँ पे कि अभी भी हो रहे हैं? बहुत दिनों से बंद है, अभी यहाँ वो वाला शिकायत नहीं आ रहा है। अच्छा, तो मच्छर वगैरह नाली वाली की सफाई? नाली की सफाई में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाकी सब ठीक। कैसे देखते हैं आप, आपका आगामी पार्षद जो आएंगे जो चुनना चाहेंगे उन क्या काम आप मांगेंगे, क्या देखकर आप उनको वोट देंगे? जिस तरह से यहाँ हो रही है, जो हमारे यादव जी पार्षद जो कर रहे हैं वैसी कार्य करना चाहिए अगले पार्षद, तो यही होना चाहिए हमारे ख्याल से, क्योंकि हमारा वार्ड अच्छा है, सभी मतलब पूरा चंगरों के रखे हैं अच्छे से, इसलिए अब सभी को मतलब मजदूर कार्ड बनवा के दिए हैं, अभी यहाँ शिविर लगा था, नवीनीकरण भी हुआ है, सब हुआ है। जिस तरह से कार्य करना चाहिए उस तरह से किए हैं, सप्ताह में नाली सफाई हो रहा है, हर हो रहा है, बात सुन रहे, हमारे से मिल जुल रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है। क्या कमी है अभी आपके वार्ड में? कमी तो किसी भी प्रकार से नहीं है, कमी होता है तो हम बताते हैं तो उनको पूरा कर देते हैं सर, क्योंकि अब घर के आसपास ही है, सबकी कमी करते हैं, हमारे ही नहीं है, सभी का पूरा कर देते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ क्या स्थिति होती है, दिख रहा है कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं नीचे एरिया पे है, तो यहाँ पे क्या कुछ डूबने का शिकायत रहता है? नहीं तो नाली की तरह तो चले जाता है ना, अगर अब वो खाली जगह है तो भरना ही है, भरना है, इसलिए नाली जैसा होता है वो चले जाता है नाली से। कहीं ऐसे वार्ड वगैरह डूबने की शिकायत नहीं है? नहीं, नल वल पानी वानी सब अच्छा आता है, साफ आता है, सब आता है। कई बार एक आध बार परेशानी होती है, क्योंकि अब मेन जहाँ से सप्लाई होता है वहाँ से परेशानी होगी तो यहाँ तो परेशानी होगी ही ना, इसलिए कई बार होती है परेशानी, अब हर बार एकदम नहीं आता है, हर बार लेकिन आता है, सब सुंदर है वार्ड, सब है। क्या ज़रूरत क्या है अभी आप लोगों को, कुछ ऐसी लगे कि आप युवा हैं कि हमारे लिए ये यहाँ पे ये चीज़ होना था, शिक्षा की व्यवस्था होनी थी या कुछ रोज़गार के लिए कुछ? अब रोजगार तो यहाँ सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ पार्षद यादराम साहू जी भी हैं, उनसे जानते हैं, आपने जो घोषणा की है आज से 4 साल पहले जो घोषणा किए थे उसका कितना परसेंट अभी आपका काम आपने पूर्ण किया है, आपको कितना संतुष्टि है आपके काम से? देखिए, जैसे हमने इस वार्ड से पार्षद जब बना डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड से, तो सबसे पहले हमारे शहर में आने जाने का जो आवागमन है वो असुविधा थी, जैसे यहाँ पे ओवर ब्रिज बनाने का था कुशालपुर चौक में, हमारे वार्ड के लोग जब रिंग रोड क्रॉस करके जाते थे तो हमेशा आने जाने में असुविधा होती थी और कभी भी एक्सीडेंट होने का खतरा रहता बना रहता था, घर में मुखिया को चिंता होता था कि हमारे बच्चे स्कूल गए हैं तो शहर गए हैं, तो हमने सबसे पहले मांग किया था कि रिंग रोड में कुशालपुर चौक में ओवर ब्रिज बनना चाहिए, तो हमने माननीय पूर्व सांसद उस समय था हमारा बैस जी और माननीय मंत्री बिजमोहन अग्रवाल जी, PWD मंत्री राजेश मुनर जी को हमने आवेदन दिया और आज वो ओवर ब्रिज बन के तैयार है, आज 25 करोड़ का ओवर ब्रिज यहाँ पर तैयार हुआ है, जो आज हमारे आने जाने वालों को बहुत सुविधा होती है, ये हमारा वहाँ पे पहला विचार था। और वार्ड की बहुत सारी समस्या, जैसे कई जगह पाइपलाइन नहीं बिछा है, पाइपलाइन बिछाने के काम हमने किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कम से कम 400 मकान हमने चंगरा भाटा में 400 मकान लगभग प्रधानमंत्री आवास में बना चुके हैं और 100 लगभग सर्वे में है जो अभी लगातार बन रहा है, और ऐसे बहुत सारा ऐसी योजना है जो पाइपलाइन का, जो हमने कम से कम 2 करोड़ का पाइपलाइन बिछवाया, साथ में रोड नाली, आज घर घर कचरा गाड़ी की सुविधा नहीं थी, आज हर घर में गाड़ी जाती है और कचरा गाड़ी के लिए हम गाड़ी जाती है और कचरा देते हैं लोग बाग, आज लोग बाग स्वच्छता की तरह आगे बढ़ रहे हैं और स्वच्छ भारत के तहत आज सभी घरों में गाड़ी पहुंचती है और बाकायदा गाड़ी में कचरा देते हैं और सब सहयोग करते हैं, और आगे जो भी मूलभूत सुविधाएँ हैं
जैसे आज स्ट्रीट लाइट जो है पूरे चौंगरा भाटा में सभी जगह स्ट्रीट लाइट बराबर जल रहा है, आज उजाला उजाला चौंगरा भाटा में लगता है, यदि 100 में एक नहीं जलता वो अलग बात है, और कहीं अब फ्यूज हो गया वो तो हमेशा लाइट एक ऐसा चीज़ है तो कभी कभी ख़राब ही हो जाता है। तो अभी आपने सुना खूबचंद बघेल वार्ड के उन निवासियों को, वहाँ के स्थानीय पार्षद को, जिनका कहना है कि ये काम तो हुआ है और सफाई, यहाँ पे आप तस्वीर पे देख रहे हैं कि स्थिति क्या है, तस्वीर है जो बयां करती है, लोग जो हैं उनके कार्यों से या दबाव से कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है आपको साफ दिखाई दे रही है कि स्थिति क्या है। लेकिन कुछ ही समय बाद चुनाव है, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, नगरीय निकाय चुनाव का घोषणा हो चुका है, तो आगे किस तरह की इनको प्रत्याशी चाहिए, उनके लिए भी इनके पास रणनीति है और उनकी क्या मांगे हैं, वो अपने मांग के अनुसार ही प्रत्याशी का चयन करने की बात कही जा रही है। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। इस वक्त हम मौजूद है भक्त कर्म माता वार्ड में, यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनसे जानते हैं, चूंकि ये वार्ड खूबचंद बघेल वार्ड से कट कर बना हुआ है तो इस हिसाब से इनको अब आगे चुनाव में क्या जरूरत है इस पर बात करेंगे, चूंकि ये इसमें अभी पहली बार ये वार्ड बनने के बाद इसमें चुनाव होना है। तो आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी हाँ, हम लोग हैं। आप माता कर्मा वार्ड में हैं, किस तरह की जरूरतें हैं आपकी अभी, क्योंकि आपका जो चुनाव होना है, क्योंकि पहली बार होना है जो चुनाव, अभी जो आपका ये वार्ड बंटवारा हुआ, परिसीमन हुआ, उसके बाद तो आपकी क्या जरूरतें हैं उसमें? अभी तो हमारी कोई ज़रूरत है, हर जरूरत भैया पूरी कर देते हैं, हमारी हर मांग पूरी करते हैं, हमको कोई भी समस्या होने पे हम भैया के पास आते हैं, हमारी मांग पूरी हो जाती है। जी, उनके पास आते हैं तो व्यवहार कैसे होता है पार्षद के पास? बहुत अच्छा है, हम लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, कुछ भी होता है तो बताते हैं और अलाउंस करवाते हैं कि ये चीज़ काम होने वाला है, तो सब पब्लिक आ जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। बाकी मूलभूत सुविधा की बात करें, सफाई की, शिक्षा, सड़क, क्या स्थिति आएंगे? ये ध्यान देना चाहिए सब चीज़ को, नाली वाली सब तैयार होना चाहिए, सब गंदगी नहीं भरना चाहिए, बस यही चाहते हैं हम लोग, बाकी सब बात में अच्छे हैं। आपके वार्ड में गंदगी है कहीं? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी साफ करके गए हैं, लेकिन ये करते ही रहते हैं, लेकिन क्या है कभी कभी ऐसा होता है कि आते नहीं है। वार्ड बहुत बड़ा है ना? अब वार्ड बड़ा हो गया, वार्ड दो भागों में बढ़ गया है, आप चुनाव होगा, आप दूसरे वार्ड में आ गए, माता कर्मा वार्ड में आ गए हैं, कैसे प्रत्याशी चाहिए जो आपको प्रतिनिधि करें, आपको किस तरह की सुविधा? जैसे हमारे अभी तक प्रत्याशी थे वैसे ही हमको और आगे प्रत्याशी चाहिए कि हमारी सुने और हमारी समस्या हल करें। आज तक हमको तो कभी परेशानी नहीं हुई है, लेकिन आगे भी नहीं होना चाहिए, यही चाहते हम। आपके यहाँ लोगों को प्रॉपर पेंशन मिल रही है? हाँ, ये है ना हमारे साथ में दाई वाई, हम लोगों को कोई भी परेशानी हो हम भैया के पास आ जाते हैं और अपनी परेशानी हल करवा लेते हैं। तो यहाँ और बैठे हुए हैं, हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। आपका नाम क्या है? सुरजा भाई यादव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? चौगरा के। अच्छा, तो आपको मकान मिला हुआ है? मकान नहीं मिले, मकान फूट गए मोर। हाँ, तो कभी पार्षद के पास गए थे? नहीं। बताने कि मेरा घर फूट गया है, मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिल रहा है, उसका घर दीजिए, मेरा नाम आया है क्या? नहीं भरे हैं। हाँ। अच्छा, पेंशन मिलता है आपको? हाँ। कौन सा पेंशन मिल रहा है? निराश्री। निराश्री का समय पे मिल जाता है? कितने तारीख को मिलता है? 9-20। अच्छा, हर महीने मिलता है? हाँ। और क्या समस्या है आपके वार्ड में? मोर घर बार फूटे दादा, कहीं समस्या नहीं है। ये सारी चीज़ की जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, उसमें हमने कभी भी कमी नहीं रखा, जैसे भी उन लोगों को जनता की मांग था उसको हमने पूरा करने की पूरा कोशिश किया, और बहुत सारे हमने कम से कम 1200-1500 ऐसे बिजली का खंभा, स्ट्रीट लाइट खंभा भी लगाए, और ये सारी चीज़ का मूलभूत सुविधाएं। आपसे पास आने से पहले हम लोग कुछ लोगों से बात की, उनका शिकायत है कि सफाई कभी 2 दिन में होता है, कभी 6 दिन में होता है, सफाई की बात हो तो नाला की सफाई नहीं हो रही है, मच्छर की बहुत समस्या है। देखिए, सफाई की मामला ऐसा है कि वार्ड बहुत बड़ा है, इसीलिए हमने तो यहाँ मांग किए थे कि यहाँ 2 वार्ड होना चाहिए, लगभग 50,000 की आबादी है, और जो अन्य वार्ड की जो कर्मचारी जो देते हैं, जैसे 30 कर्मचारी अन्य वार्ड में देते हैं, 30 कर्मचारी हमको देते हैं, और तो निश्चित रूप से हम इस छोर से उस छोर जाएंगे तो 2 महीना लग जाता है हमको सफाई करने में, तो इसीलिए तो हमने 2 वार्ड की मांग किया, आज 2 वार्ड हो गया है, आगे चल के जब 2 पार्षद होंगे तो कर्मचारी भी बढ़ेगा तो आसानी होगा भाई, वो नाली की समस्या तो सभी जगह है।
कोई दिक्कत नहीं। ये लार्वा खत्म करने के लिए जो रसायन डाला जाता है वो कहीं भी आपके वार्ड में नहीं डालने की शिकायत है, क्या क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नहीं डालते हैं, दीपावली पहले दवाई छिड़काव हुआ था और अभी और हम लोग मांग कर रहे हैं दवाई के छिड़काव के लिए, यदि ऐसा स्थिति आएगा तो करेंगे। अभी हमारे यहाँ ऐसे कोई पीलिया विलिया और इस टाइप का लार्वा वार्वा डेंगू वेंगू का कहीं शिकायत नहीं आया ऊपर वाला की कृपा से, और कभी कभी बीच बीच में छिड़काव होता है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो आप जो घोषणा पत्र जारी किए थे उसमें ऐसा क्या काम रह गया जिसको आप करना चाहते हैं लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है तो आप? नहीं नहीं नहीं, हमने जो लोगों की जो मांग था वो मांग के अनुसार तो हमने काम किया ही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और आगे मांग रहेगा उसको भी हम पूरा करेंगे, जो हमारा हमसे जो कहीं नाली नहीं बना है, कहीं रोड नहीं बना है, इस तरह से जो भी बात आएगी उसको आगे हमको फिर अवसर देंगे, पार्टी हमें सेवा का मौका देंगे, जनता की सेवा के लिए तो हम ये सब पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत बात नहीं। कितने प्रतिशत रहा है आपका, जो मैं वही क्वेश्चन फिर आपसे पूछूंगा कि जो आपने जितने अपने सर तके थे घोषणा पत्र में उसमें कितने प्रतिशत काम आप पूरा किए हैं, आपसे जानना चाहते हैं। जनता से हमने बात कर ली है, जनता ने बताया है, पब्लिक उसको देख रही है, आप बताएंगे कि ये कितने प्रतिशत काम पूरा किए हैं आप? नहीं हमारे हिसाब से तो जनता के मांग के अनुसार से हमने 99% तो कर ही दिए हैं, उसके बाद भी और कहीं ज़रूरत पड़ता है, अभी हमारे यहाँ विकास भी हो रहा है ना, आगे चल के उधर नीचे साइड मकान बन रहा है, नाला किनारे मकान बन रहा है, और ये नाली तो क्या ऐसा है कि आज मकान बन रहा है, गाड़ी आता है, टूट जाता है, फिर बनाने की ज़रूरत पड़ जाता है, इस टाइप का है वो, आगे का कई सारा शिकायत रहता है, उसको हम आगे पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि आपके कार्यकाल अब समाप्त होने के कगार पे है, नए पद चुनाव होना है, तो आप क्या इस बार दो भागों में आपका वार्ड डिवाइड हो चुका है, तो क्या लगता है कि किस तरह से आगे विकास होना चाहिए, कुछ आइडिया आपके पास? देखिए आगे विकास होने के लिए सबसे पहली मेन रोड में बाजार का, बाजार जो बैठता है सप्ताह में दो दिन बुधवार और रविवार को, तो मेरे हिसाब से बाजार को कहीं ना कहीं शिफ्ट होना चाहिए और उसके व्यवस्थापन करना चाहिए, सरकार द्वारा भी हमने पिछले टाइम मांग किए थे, उनके लिए कहीं ना कहीं जगह दे करके उसको व्यवस्थापन करना चाहिए, बाजार की व्यवस्थापन अति जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे इतना भीड़ हो जाता है कि लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा होती है। इसके अलावा अब कहीं कहीं रोड नाली बनना है वो तो होता ही रहता है, वो तो बनता ही रहता है, लेकिन इस टाइप का यहाँ और आगे चल के जैसा स्टेडियम है इस टाइप का कुछ बनना चाहिए, यहाँ कॉलेज की भी व्यवस्था होना चाहिए शिक्षा के लिए। तो यहाँ आपने सुना उन नागरिकों को जो यहाँ पे भक्त माता कर्मा वार्ड में यहाँ पे रहते हैं, उनका साफ कहना है कि यहाँ तो अभी समस्या नहीं है, चूँकि जो पूर्व के पार्षद हैं वो बहुत अच्छे से काम किए हैं, उनकी वजह से यहाँ सफाई व्यवस्था, पानी व्यवस्था, जो मूलभूत सुविधा है उनको मिल रही है, और वो आगामी जो वार्ड के बंटवारा होने के कारण जो आगामी पार्षद आने वाले हैं, जो नई प्रतिनिधि आने वाले हैं, उनको पूर्व पार्षद की ही तरह पार्षद चाहिए, तो अब देखना ये होगा कि इनके इच्छा जो है इनके ही मत पर डिपेंड करता है, ये वो तय कर पाते हैं कि सही पार्षद इनको मिले या ना मिले। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। जी नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला। इसके साथ ही इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी के तात्यापारा वार्ड क्रमांक 37 पर, जहां हम जानेंगे वार्ड वासियों से, इस वार्ड की जनता से कि इन 5 सालों में कितने संतुष्ट हैं ये अपने वार्ड पार्षद के कार्य से, कितने सक्रिय रहे इस वार्ड के पार्षद अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में। और इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस वार्ड वासी, यहाँ की महिलाएँ, जो कि पूरी सुविधाएं, पूरी दिक्कतें और हर एक चीज़ को बराबर देखती हैं। आइए हम कुछ सवाल करते हैं इन वार्ड की महिलाओं से कि आखिर कैसा रहा 5 साल पार्षद का आपके वार्ड में। सबसे पहले तो पानी के ज़्यादा समस्या है, पानी में गंदगी बहुत रहती है, और वो पूरा पीने से तो आदमी के इसने भी आधा बीमार, तो ऐसे पूरा बच्चे लोग का पानी में पूरा पीलापन, छोटे छोटे कीड़ा भी आते हैं। कई बार शिकायतें करे हैं आप? हाँ, ये पानी यहाँ पे निकाले भी थे गंजी के भर से, उसके बाद में भी कोई यानी कि पानी के समस्या के लेके आए नहीं है वहाँ से आदमी, बाहर से पानी की समस्या है। उसके साथ ही जो रही है कि वार्ड में साफ सफाई किस तरीके से होती है, नाली में कचरा फंसा हुआ रहता है, इस पर नाली में तो कचरा फंसे चलते भैया, यहाँ पे तो खैर अभी तो सफाई यहाँ तो 2-3 बार हो जाते हैं, कचरा उठाने के लिए आता है, ले जाते हैं, और जनता इसमें जनता भी मौजूद है,
जो बाहर के भी कचरा को नाली में ही डाल देते हैं, जैसे कचरा यहाँ पे डालना चाहिए, कचरा को नाली पे वहीं पे डाल देते हैं सब ला के बाहर से। हम लोग एक दो बोलेंगे तो सब तो दो डालते हैं, तो हम भी डाल रहे हैं ऐसे बोलते हैं। तो वार्ड वालों की क्या क्या समस्याएं रही है और कितने बार पार्षद के पास आप लोग जा चुके हैं, उसके बाद आपकी समस्याओं का निराकरण हो पाया है? अभी तो पार्षद के बाद और नहीं गए हैं, जैसे तोड़ फोड़ हुआ तो नाली के लिए, जब एक बार और हमारे नल का यहाँ पे परेशानी हो गया था तो उस समय पार्षद के पास गए, तो पार्षद में कुछ नहीं कर पाऊँगा, पाइप के लिए भी पैसा दूंगा करके यहाँ का जो पाइपलाइन बिछाया तो उसके बाद में भी कुछ नहीं किया, ना पाइप पाइप का पैसा नहीं दिया। एक हफ्ता से पानी के लिए परेशान खुद हम लोग थे वहाँ पे। जैसा कि इनको भी कुछ कहना है और इनसे भी हम पूछते हैं कि क्या है परेशानी इनकी वार्ड में, क्या हो गया आपको, क्या परेशानी है? परेशानी नल पानी में कीड़े आते हैं, पार्षद है एक बार आए नहीं, और साफ सफाई को लेकर साफ सफाई कचरा तो आगू आगू रही थी, कीड़ा घर में अंदर खुश रहते। कभी वार्ड के मोहल्लों में पार्षद आकर घूमे हैं? हाँ, ऐसा कभी कभी आते सही आते भाई। और क्या क्या समस्याएं रही हैं आप? नल पानी में कीड़ा आ रहा है। अरे भाई, समस्या ये है कि नाली सफाई नहीं होता, एक तो छोटा सा रास्ता है नाली गली का, और दो दो तीन तीन दिन क्या एक एक हफ्ता हो रहा है। हमारे काम वाले बता रहे कि एक एक हफ्ता तक उठाते नहीं, यदि निकाल भी दिए तो एक तो निकलेगा नहीं, निकल भी गया तो उठाने नहीं आते एक एक हफ्ता तक। अब ऐसा समस्या है, अब कोई मेहमान आ जाए घर में नाक में रुमाल रख के आना पड़ता है उन लोगों को। जैसा कि आपने बताया कि सफाई की बहुत ज़्यादा किल्लत है यहाँ पर, साफ सफाई नहीं हो पा रही है, क्या पार्षद से इसकी सफाई को लेकर के कभी आता? कभी कभी देखते हैं हो जाएगा, आश्वासन देते हैं, ये होता नहीं। इतना संतुष्ट है आप पार्षद से इन 5 सालों में उसके कार्य से? कार्य से क्या खुश है, ये यदि साफ सफाई नहीं रहता पार्षद का काम तो मेन अपना वार्ड को देखो हैं, कम से कम महीने में एक आधी बार आके देख लो। लेकिन कभी पार्षद आ नहीं पाते? आएगा भी दो छः महीना साल साल भर में नहीं आया, तो ऐसा आया भी नहीं गया, क्या मतलब हुआ ऐसा कुछ? आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं रहती है खासकर यहाँ पर बस्तियों में, साफ सफाई को लेकर के गली मोहल्लों पे, तो क्या परेशानी रही है यहाँ? यही साफ सफाई की परेशानी है, फिर हमारा वो गली में छोटी सी गली है वहाँ भी पूरा गंदगी हुए रहती है। कितने बार आप लोगों की बस्ती में पार्षद आ चुके हैं और कुछ आप लोगों की समस्याओं का निराकरण निकले? पार्षद कहाँ आते हैं, साल में 6 महीना में 2 महीना में एक बार आ करके देख करके चले जाते हैं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की इस वार्ड में, और शिकायतें करने पर पार्षद द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, किस तरह से इसका निराकरण निकाला गया? ये मैं बोल रही हूँ, जो गंदगी जो रहती है, फोन भी करने से फोन भी नहीं उठाते हैं, और साफ सफाई करने से कचरा छोड़ के चले जाते हैं। अब बोलने के बाद ना पार्षद क्या बोलते, मैं क्या कर सकता हूँ बोलता है। तो आप लोगों ने ही 5 साल पहले इस पार्षद को चुना था, किन उम्मीदों के साथ चुना था और कितने खरे उतरे इन 5 सालों में आप लोगों की उम्मीदों? हम लोग ये सोचे थे पार्षद अच्छा है, इंसान है करके, दुख सुख में साथ देगा करके, मगर वो कुछ में नहीं आता है। क्योंकि इस वार्ड की पार्षद एक महिला है और महिला होने के नाते उनको आना चाहिए वार्ड में, आप लोगों की परेशानी होनी चाहिए। महिला नहीं आती है, तो कौन आता है? उनका आदमी आता है। और कोई परेशानी का हल नहीं निकालता? कुछ नहीं। अब बोलने के बाद में ना बहस करता है। क्या परेशानी है आप लोगों को? हम लोग का ये है, थोड़ा नली थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए, हफ्ता में एक बार आधा काम करके छोड़ के चले गया है और कुछ काम नहीं किया है। वही हम लोग का कहना मतलब ये है, थोड़ा साफ सफाई अच्छा ढंग से हो और नली निकलना चाहिए। 5 सालों में कितने बार पार्षद आपके पास आए हैं और आप लोगों की समस्याओं को सुने हैं? अभी तो आप कोई यूटिंग डालते हैं ना तब आते हैं, ऐसे नहीं आते, अपने मतलब से इधर आते हैं और नहीं आते। नली बना देंगे। हाँ। चुनाव के समय आए हैं। हाँ। क्या क्या वादे किए थे आप लोगों से और क्या वोट लेकर के किस टाइप का लेकर के गए? देख के चले जाते हैं। इतनी गंदगी है, कब कब साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर आते हैं नगर निगम के लोग? पहले आता था 2-3 महीना किए वोटिंग होने के बाद, उसके बाद वोटिंग हुआ खत्म, कचरा वाला भी नहीं आते। इतनी गंदगी है, नाली भरी हुई है, पानी बरसात के वक्त में कैसी बीमारियां होती है और इसका हल कैसे फिर हो पाता है? आप लोग कैसे यहाँ पर अपना गुजारा करते हैं? गुजारा करते हैं जैसे देख रहे हो, ऐसे गुजारा करते हैं, पानी बरसात पूरा भरे रहती है, साफ करे चले जाते हैं, उसके बाद बुलाओ तो फिर आएंगे, फिर साफ करके फिर निकल जाते हैं। वार्ड में कभी रोड को बनाने, पक्के रोड को बनाने को लेकर के, मकानों को लेकर के, अपनी बस्ती की समस्याओं को लेकर के पार्षद के पास आप लोग गए तो पार्षद द्वारा क्या कहा गया आप लोगों को? बस बना देंगे बोलते हैं, यहाँ से हटो,
यहाँ तो हम पैदा हुए सब हुए हम लोग का पूरा यहीं पर ही बचपना। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि पार्षद कहता है कि यहाँ क्यों बसे हो, यहाँ से हटो, तो आप लोगों ने कभी इस बात को लेकर के नहीं कहा कि हमें पक्का मकान चाहिए, यहाँ से हट के कहाँ जाए, क्या करें? सब बोले, सब बोले। तो क्या बोलते हैं पार्षद? पड़े रहो ऐसे, पड़े रहो गंदगी में, ऐसे बोलते हैं। तो उसे 5 साल पहले वोट दिए थे, क्या क्या सोचकर आप लोगों ने पार्षद को वोट दिया था? गली बनाएंगे, रोड बनाएंगे, सब बनाएंगे बोल के लालच दिया था। पानी के नल बनाएंगे, ये सब नल लगवाएंगे, ये सब रोड बनवाएंगे, नली बनवाएंगे बोल के बोला था। कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। 5 सालों के कार्यकाल में आप लोग कितना संतुष्ट हुए पार्षद के कामों से? कुछ नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। बिजली की किस तरह से यहाँ पर तो अपने लगाए हैं, बिजली तो मीटर लगाए हैं, करके लगवाए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वार्ड क्रमांक 37 पे इतनी ज़्यादा किल्लत है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर साफ सफाई से लेकर के पानी की है, और इतने लोग असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं अपने वार्ड पार्षद से कि अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव पर किस तरह से समाधान अगला पार्षद यहाँ पर निकाल पाता है, और किन एजेंडों के साथ ये चुनाव लड़ेगा, और अगले कार्यकाल पर किस तरह से वार्ड के जनताओं का समाधान निकालेगा।